A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, कल के लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियस. ठीक है. सो हमारा ये जो यूनिट है सेल, इसमें हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल से एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ना है. सो हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं हम. और अब हम ऑर्गेनेल्स शुरू करने जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स. और आज हम सबसे पहली सेल ऑर्गेनेल्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस. आपने इसके बारे में सुना भी होगा. न्यूक्लियस सेल का एक तरह से ब्रेन है, मेन पार्ट है सेल का. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस, दे आर विद द फील्ड विद द न्यूक्लियस विच इज़ एट द सेंटर. और काफ़ी इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. सो ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल है. एंड न्यूक्लियस को पहले एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर्ड किया था फिशेस के रेड ब्लड सेल्स में. ठीक है. सो ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने ये ऐसे पहले मात्र साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया था. एंड इसके बारे में भी इन्होंने बताया है, बैक्टीरियाज़ के बारे में भी इन्होंने सबसे पहले बताया था. सो उसके बाद क्या हुआ, इस उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस जैसा एक ऑर्गेनली. और रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था कि एक्चुअल में ये है क्या, इसे क्या मतलब क्या रोल है इसका ऑर्किड सेल्स में. सो न्यूक्लियस जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, नहीं प्रेजेंट होता. वहाँ पे जस्ट ऐसे डीएनए स्कैटर्ड होता है. दे हैव अ न्यूक्लॉइड हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट एनी मेम्ब्रेन. कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती वहाँ पे. मोस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो यूनी न्यूक्लिएट हैं, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो बाई न्यूक्लिएट हैं, वहाँ पे दो तरह के न्यूक्लाई प्रेजेंट होंगे जैसे कि पैरामीशियम. ठीक है. और बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होंगे जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लाइक मल्टी न्यूक्लिएट. ठीक है. तो पर ये है कि न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो रिलेटिवली फिक्स्ड रहती है, नियर अबाउट सेंटर. हाँ, प्लांट सेल में क्या होता है, क्योंकि सैप वैक्यूल काफ़ी ज़्यादा पोजीशन एक्वायर कर लेता है तो जस्ट थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, न्यूक्लियस साइड में हो जाएगा. बाकी इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेंटर में रहती है. एनिमल सेल में ये नियर अबाउट सेंटर में ही होगा. कुछ ऐसे एडिपोज सेल्स हैं, ठीक है, फैट सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, उसमें न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में आ जाएगा, पेरिफेरी बाउंड्री में होगा, साइड में होगा. कुछ न्यूक्लियस जो होंगे वो सेल की मतलब कि जो न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो बेसिकली सेल की शेप पे डिपेंड करती है. जैसा सेल होगा वैसा ही उसका न्यूक्लियस बन जाएगा. ठीक है. सो द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन राउंडेड क्यूबॉइडल एंड मैनी साइड सेल्स, ओवल इन सेकेंडरी, ओवल इन सिलेंड्रिकल सेल्स एंड डिस्क लाइक फ्लैट सेल्स. ठीक है. राउंडेड सेल्स में न्यूक्लियस स्फेरिकल है. ठीक है. और बहुत सारे जो साइड सेल्स होते हैं उनमें ये क्यूबॉइडल की फॉर्म में है. ठीक है. और जिन सेल्स की शेप सिलेंडर की शेप में होती है उनमें ये ओवल की तरह है. और जो फ्लैट सेल्स होते हैं ना बिल्कुल, उनमें ये डिस्क लाइक है. सो आप देख सकते हो कि जिस तरह सेल की शेप होगी उस तरह वो अपने आप को चेंज कर लेता है. न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी वेरी करता है सेल टाइप से, उसकी स्पीशीज से, किस टाइप की स्पीशीज है, किस तरह का उसका सेल का टाइप है, सेल राउंडेड है, साइड सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, कैसे. जनरली द न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम 5 to 25 नैनोमीटर इन डायमीटर. ठीक है. जो न्यूक्लियस है वो 5 से लेकर 25 नैनोमीटर तक वेरी करता है डायमीटर में. देन द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 types ऑफ ऑर्गेनेल्स. न्यूक्लियस में 5 तरह की ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एक्चुअली 5 तरह की एसोसिएटेड ऑर्गेनेल्स से बना होता है. ठीक है. एक न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है जैसे न्यूक्लियर एनवलप, जैसे आप देख सकते हो, जिसे हम कैरियोथीका भी कहते हैं. ठीक है. ये जो बाहर आपको दिख रही है मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवलप है. ठीक है. जैसे जहाँ पे आउटर और इनर लिखा हुआ है ये न्यूक्लियर एनवलप है. ठीक है. सो इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन और बीच की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो
क्या है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें सभी न्यूक्लियस के कंटेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर है, बाहर लेयर है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहेगी। यस, ये इसकी बहुत खासियत है कि जो न्यूक्लियर की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है जो बायोलिपिड बायलेयर फॉर्म करते हैं। हमने कल पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से बनी है, फॉस्फोलिपिड्स। सो ये भी उसके ही बने हुए हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनेल्स को भी कवर करती है और सेल को भी कवर करती है। एनवलप हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। एनवलप जो है वो न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है, ताकि न्यूक्लियस की जो शेप है वो मेंटेन रहे और न्यूक्लियस में जो फ्लो है वो मेंटेन रहे पोर्स के थ्रू। जो भी कोई मटेरियल्स हैं, एंजाइम्स हैं, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, वो पोर्स के थ्रू सुराख है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाते रहे। न्यूक्लियर पोर्स एक ऐसे कनेक्शंस हैं जो साइटोप्लाज्म और या फिर जो जितना भी सेल है उससे न्यूक्लियस का कनेक्शन बना के रखते हैं। अगर वो मेम्ब्रेन टोटली बंद रहेगी तो न्यूक्लियस का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा बाकी चीज़ों के साथ। द रिमेनिंग ऑफ द सेल और द साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके साथ कनेक्शन रहे। न्यूक्लियर पोर्स आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए, उनका एक्सचेंज होता रहता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। नाउ वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं और कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इट इज़ अ सेमी एक्वस मटीरियल सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेमी एक्वस है, टोटली फुल्ली ये एक्वस नहीं है, वाटरी नहीं है, सेमी एक्वस है और साइटोप्लाज्म की तरह ही है, और इसमें बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो सपोर्ट्स द न्यूक्लियस बाय हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप्स। न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है ताकि वो अपनी शेप में बरकरार रह सके। इट सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियोलस भी एक न्यूक्लियस के अंदर जो यू नो स्मॉल राउंड बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं उन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। सो ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स को भी सराउंड करता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि जिससे के थ्रू जो जितने भी मटीरियल्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते रहें न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियोलस कंटेंट विद इन द न्यूक्लियस इज अ डेंस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, जो राउंड स्मॉल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है जो कि काफ़ी डेंस्ड है, मेम्ब्रेन नहीं है उस स्ट्रक्चर में, और आरएनए का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर विच इज़ डेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, किस प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनमें, उससे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर ही चार न्यूक्लियोलाई आ जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स नंबर उनका वेरी कर सकता है। जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, बाय ट्रांसक्राइबिंग एंड असेंबलिंग राइबोसोमल आरएनए यूनिट्स, ठीक है, जितने भी राइबोसोमल आरएनए यूनिट्स हैं उन्हें ट्रांसक्राइब करेगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा और उन्हें असेंबल करेगा, और राइबोसोम्स फर्दर क्या करेंगे, आगे जाके प्रोटीन्स के सिंथेसिस करेंगे, एसेंशियल प्रोटीन्स विच आर नीडेड फॉर द डीएनए एंड फॉर द न्यूक्लियस एंड फॉर द सेल। न्यूक्लियोलस disappears when a cell undergoes division and is reformed after completion of cell division. जब सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, और जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से वापस रिफॉर्म्ड हो जाएगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक्चुअली में एक नेटवर्क है, मैट्रिक्स एक नेटवर्क है, मतलब क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन फाइब्रिल्स का, ठीक है, ऐसे प्रोटीन लाइक फाइब्रिल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, उनका नेटवर्क है जो कि एक न्यूक्लियर एनवलप से जॉइंट रहते हैं उनके एंड्स, ठीक है। इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर स्केल्टन, ये एक तरह से न्यूक्लियर स्केल्टन फॉर्म करते हैं। सो इट रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर द
क्रोमैटिन एंड डीएनए हैव बीन फॉर्म, जैसे ही डीएनए और क्रोमैटिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये वहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहता है। नाउ क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन बेसिकली वर्ड डिराइव्ड है, क्रोमैटिन मीन्स कलर्ड मटीरियल, जो ये इंडिकेट करता है जब कभी हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है, इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड जब हम बनाते हैं हम इसको डाई करते हैं कलर से, स्टेनिंग प्रोसेस होता है। और ये क्रोमैटिन काफ़ी एक्टिव कंपाउंड है कि ये फटाफट से कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टेन हो जाता है, और हम इजीली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं जब वो स्टेन हो जाता है। सो क्रोमैटिन जो है वो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस जो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है उनमें होते हैं, और ये फाइन फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की फॉर्म में रहते हैं जिन्हें हमें क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहते हैं। पर जैसे ही सेल डिवीजन होती है तो ये जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये कॉइल्ड होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कॉइलिंग शुरू हो जाएगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और रॉड लाइक हो जाएंगे, और तब हम उनको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम, ठीक है, अगर सेल डिवीजन हो रही है तो वो हम इसे क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है, और अगर सेल डिवीजन नहीं है, जो सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो जो भी उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, उन्हें हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहेंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं बेसिकली दो आइडेंटिकल हाफ से बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, दो आइडेंटिकल हाफ से बने हुए हैं, और उन आइडेंटिकल हाफ्स को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, जो क्रोमैटिड्स आपस में जॉइंट रहते हैं, और उस जॉइंट जंक्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। जैसे ही सेल डिवीजन हो जाती है क्रोमोसोम्स वैसे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और वो क्रोमैटिन फाइबर्स में बन जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग फिलामेंट्स। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स बिकम कॉइल्ड, ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं वो अनकॉइल्ड रहते हैं, कॉइल्ड नहीं होते, और एक्सटेंड मतलब काफ़ी एक्सपैंड हो जाएंगे और स्कैटर्ड बिखरे बिखरे से रहेंगे, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है ये काफ़ी लाइटली पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो काफ़ी इसका रोल है डीएनए में, एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से प्रोटीन है, एसोसिएटेड विद डीएनए, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एनकोड रहती है। सो ये हम आपको इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। और कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो कॉइल्ड रहेंगे, ठीक है, वो कॉइल्ड पार्ट रहेगा, और वो क्या होगा कि काफ़ी कंपैक्टेड रहेगा इंटरफेस में, और इंटरफेस इज़ अ स्टेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है, ये सेल साइकिल की स्टेजेस हैं, एंड उस पार्ट को हम जो कॉइल्ड और डार्कली स्टेन्ड पार्ट रहेगा उसे हम हेटेरोक्रोमैटिन कहेंगे, और वो न्यूक्लियर लैमिना के बिल्कुल पास ही रहता है। सेंट्रोमियर जो है एक्चुअली में सेंट्रोमियर एक नैरो रीजन है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और अगर कोई और भी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जॉइंट है ऐसे, तो हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे, जो नियर अबाउट बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन, बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो नियर अबाउट 80% प्रोटीन्स का बना हुआ है, 12% डीएनए है, 5% आरएनए है, और 3% उसमें क्या है, लिपिड्स हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि किस तरह से मतलब कंपोजिशन है न्यूक्लियस की। और प्रोटीन्स जो हैं उनमें एंजाइम्स हैं जैसे कि पॉलीमरेज़, ठीक है, जो कि डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फॉस्फोरस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए और आरएनए का। नाउ विद द फंक्शंस, न्यूक्लियस एक्चुअली सेल को मेंटेन करके रखता है। अब फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कि सेल को मेंटेन करके रखेगा, उसकी ग्रोथ लेके आएगा और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा ताकि स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। न्यूक्लियस रेगुलेट्स द सेल मेटाबॉलिज्म बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोटीन्स, ठीक है, सेल के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करके रखता है, और किसके थ्रू, ताकि प्रोटीन्स फंक्शन रहे, मेनली एंजाइम्स। न्यूक्लियस ब्रिंग्स अबाउट सेल रेप्लिकेशन व्हेन नीडेड, जब सेल को रेप्लिकेशन चाहिए तो न्यूक्लियस उसको मतलब रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में काफ़ी योगदान रहता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल जितना भी जीनोटाइप है, जितना भी जीनोम है, सब न्यूक्लियस ही एनकोड करता है, जिसमें क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए हैं, जीन्स हैं, सो वो सब न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म और स्ट्रक्चर के साथ साथ ये अपना जेनेटिक मटेरियल भी एनकोड करके रखते हैं,
न्यूक्लियस ड्वेल्स जेनेटिक वेरिएशन, न्यूक्लियस में ही जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं जिससे कि एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है। न्यूक्लियस ब्रिंग्स अबाउट सेल डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस में सेल डिफरेंशिएशन होती है जिससे कि जितने भी ऑपरेशनल जीन्स हैं उन्हें ऑपरेट किया जाता है। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस पे, वो इसीलिए हैं ताकि कनेक्शन बना रहे सेल साइटोप्लाज्म का और मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता रहे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मटेरियल्स का फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहे, रेगुलेट रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर न्यूक्लियस। एंड ये कुछ डायग्राम में हम देखते हैं पार्ट्स, लाइक आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। दिस इज़ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, एक ही सेंट्रोमियर है और इस वाले लॉन्ग थ्रेड में आप देख सकते हो दो दूसरी कंस्ट्रिक्शन भी है नियर द एंड, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बन जाएगी। न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियर पोर है, ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये हिटेरोक्रोमैटिन, ये लेमिना है और ये कैरियोलिम्फ यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, एंड दिस इज योर न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल के साथ।